सोमनाथदार कोचिंग सेंटारे तुम्हारे सबाइके स्वागत। आज उच्च माध्यमिक 2022 तुम्हारे पलिटिकल सायन्सर परीक्षा छिलो एबं आशा करा जाय प्रत्येकेर परीक्षा खूबी भालो होयेछे। तो चलो आमरा एमसीकिউ प्रश्न एबं उत्तरगुलोके देखे निই। तो देखो एक नम्बरे प्रश्न एखाने बला होच्छे जे पंचायत समितिर सभा के परिचालना करें। तो तुम्हारा उत्तर लिखबे एकेर दागेर होच्छे बी। बी होच्छे आमादेर एई प्रश्नेर उत्तर, ठीक आछे। तो चलो आमरा परेर प्रश्नटी देखे निই। ता दो नम्बर प्रश्न देखो छोटो शहरगुलिर स्वायत्तशासन परिचालित हय। उत्तर होच्छे अपशन बी पौरसभार द्वारा। तीन नम्बर प्रश्न तोमरा देखे ना कत साले पश्चिमबंगे पंचायत आईन प्रणीत हय। उत्तर होच्छे अपशन बी 1973 साले। आमादेर अथबार प्रश्न तीनेर जे तपसिली जाति तपसिली उपजाति और महिलादेर जन्य 73तम संविधान संशोधनेर माध्यमे आसन संरक्षणेर व्यवस्था करा हयेछे। एई उत्तरटी हबे तोमादेर अपशन ए 1992 साले। चलो आमार नेक्स्ट प्रश्न देखि। चार नम्बर प्रश्न बोलछे प्रतिटी ग्राम पंचायतेर साधारण मेयाद। तो तोमरा उत्तर लिखबे देखो अपशन बी होच्छे सरि अपशन ए होच्छे आंसर तात 5 बचर होच्छे आंसर। तो चलो परेर प्रश्नटी आमरा देखे निই। तो देखो पाँच नम्बर प्रश्नटी एखाने बला हयेछे जे कतजन विचारपति निये भारतीय सुप्रीम कोर्ट गठित हयेछे। तो तोमरा उत्तर लिखबे अपशन अपशन ए अर्थात 31 जन होच्छे तोमादेर आंसर। तो चलो परेर प्रश्नटी आमरा देखे निই। 6 नम्बर प्रश्न बला हच्छे जे लोक आदालत गठित है। देखो ये चारटी अपशन रही है एर मध्य उत्तर क्योंकि है ना एक्चुअली उत्तर क्योंकि 1986 तुम्हें दिए थको तो आंसर होते क्योंकि एक्चुअली उत्तर हो क्योंकि 1987, ठीक है। तो चलो हमारा पर प्रश्न देखे नहीं। 7 नम्बर प्रश्न बला है विचार विभागीय पर्यालोचनार अधिकार आछे। तो एखाने तुम्हारे उत्तर हे तुम्हारे अपशन ए लिखबे सुप्रीम कोर्टर। एखाने एक अथबार प्रश्न देवा होयेछे देखो क्रेता सुरक्षा आईन तैरि हय किन्तु अपशन बी 1986 साले। अपशन बी होच्छे आमादेर 1986 साले। तो चलो परेर प्रश्नटा देखे निই। एबारे आमादेर 8 नम्बरेर प्रश्न हाईकोर्टेर विचारपतिगण कत बयस पर्यन्त पदे आसीन थाकते पारे। तो उत्तर होच्छे अपशन बी लिखबे सरि बिटा हबे 62 बछर। 9 नम्बर प्रश्न पार्लामेंटेर यौथ अधिवेशने सभापतित्व करें। उत्तर होच्छे अपशन सी स्पिकार। तो चलो आमरा 10 प्रश्नटा देखि निই। 10 प्रश्नटी एखाने बला होच्छे पश्चिमबंगे विधान सभाय निर्वाचित मोट सदस्य संख्या हलो। उत्तर होच्छे अपशन ए 294 जन। आमादेर 11 नम्बरेर प्रश्न देखे नाओ भारतेर अर्थ विषयक क्षेत्रे कार प्राधान्य प्रतिष्ठित হয়েছে। उत्तर लिखबे अपशन ए लोकसभा। 12 प्रश्न राज्यसभार सर्वाधिक सदस्य संख्या हलो। उत्तर होच्छे अपशन बी 250। एखाने एकटा अथबार प्रश्न आछे जे राज्यसभार सदस्यदेर मेयादकाल। तो एटा किन्तु हबे अपशन बी 6 बछर किन्तु हबे, हाँ 6 बछर आंसर होच्छे। 13 नम्बर प्रश्न राज्यसभाय सभापतित्व करें। तो उत्तर होच्छे देखो बिएरटा हबे उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखो 14 नम्बर प्रश्न भारतीय संविधाने स्वेच्छाधीन क्षमता प्रदान करा हयेछे। तो एटा होच्छे आमादेर उत्तर होच्छे अपशन बी राज्यपाल के। तो 14 टी अथबार प्रश्न रही है राष्ट्रपति पदप्रार्थीर न्यूनतम बयस होते हबे। उत्तर होच्छे अपशन ए 35 बचर। नेक्स्ट देखो तुम्हारा 15 नम्बर प्रश्न भारतेर प्रथम राष्ट्रपति हलेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपशन ए हलो आंसर, ठीक है। हमारे 16 नम्बर प्रश्न होच्छे केंद्रीय मंत्रिसभा नेता हलेन। तो एटा होच्छे तुम्हार अपशन बी हबे प्रधानमंत्री। अच्छा 17 नम्बर प्रश्न उत्तराधिकार सूत्रे मनोनीत शासक देखा जाए। तो ये हे देखो अपशन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आमरा देखे नेब। नेक्स्ट होच्छे आमादेर 18 नम्बर प्रश्न, पार्लामेंट एकटी क्रियोनक मात्र, ए कथाटी के बोलेछेन? उत्तर होच्छे अपशन सी मुसोलिनी। 19 नम्बर प्रश्न, स्पिरिट अफ द लॉस ग्रंथ प्रकाशित है तो एटा होच्छे 1748 साले। अपशन ए होच्छे किन्तु आंसर, ठीक है, अपशन ए 1748 साले। अच्छा, एर एक अथवार प्रश्न रयेछे, मार्किन युक्तराष्ट्रेर आईनसभार निम्न कक्षेर नाम कि? तो एटा होच्छे अपशन ए हबे जनप्रतिनिधि सभा, ठीक है। 20 नम्बर प्रश्न, द्विकक्षवादेर समर्थक हलेन? अपशन ए जे एस मिल। 21 नम्बर प्रश्न, हिंद स्वराज बोईटीर लेखक? तो अपशन बी हबे इंदिरा गांधी। और नेक्स्ट प्रश्न देखे नेब। तो 22 नम्बर प्रश्न होच्छे, वैपरीत्यের ঐক্য ও সংঘাতের তত্ত্বটির সঙ্গে সম্পর্কিত? उत्तर होच्छे अपशन ए मार्क्सवाद। 23 बी, जातीय मूल्यबोधेर समष्टि हलो जातीय स्वार्थ, ए कथा बोलेछे? तो उत्तर होच्छे आमादेर अपशन बी हबे जोसेफ फ्रांकेल। अथवा प्रश्न नाम, पलिटिक्स अमंग नेशन, एटा होच्छे देखो हैंस जे मार्गेंथाउ। अपशन डी एरटा हलो एर आंसर। 24 नम्बर प्रश्न, वेस्टफेलिया शांति चुक्ति सम्पादित है कत साले? तो एटा होच्छे अपशन ए 1648 साले, 1648 साले, ठीक है। तो चलो परेर को देखे नहीं आमरा। तो देखो एसएक्यू सबकटा मैक्सिमाम बड़ो प्रश्न, जेगुलो छोटो छोटो प्रश्न आमि बोले दिচ্ছি, देखे नाओ। बोला हচ্ছে রাষ্ট্রকে আত্মাহীন যন্ত্র বলে কে ব্যাখ্যা করেছেন? উত্তর লিখবে গান্ধী। আচ্ছা, ২ নম্বর প্রশ্ন, উদারনীতিবাদের জনক হিসেবে কাকে অভিহিত করা হয়? উত্তর লিখবে জন লককে। ৩ নম্বরের ২ এর অথবা বলা হচ্ছে, দেখো উৎপাদন শক্তি দুটি উদাহরণ দাও। তোমরা লিখতে পারো প্রাকৃতিক উপাদান, লিখতে পারো মানুষের শ্রম শক্তি, লিখতে পারো, ঠিক আছে। এবং ৩ নম্বর প্রশ্ন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে একটি যুক্তি দাও। তোমরা আশা করি উত্তরটি পেরেছো। আচ্ছা, অথবা প্রশ্নটা বলা হচ্ছে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিপক্ষে একটি যুক্তি দাও। তো একটি যুক্তি দাও, একটি তুমি বলে দিচ্ছি, তো লিখতে যারা লিখেছিল যে জনস্বার্থ বিরোধী, ঠিক আছে। আর ৪ এর প্রশ্ন দেখো, ব্রিটেনের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম কি? উত্তর লিখবে লর্ড সভা। আর অথবা প্রশ্ন দেখো, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার যে কোনো দুটি পদ্ধতি লেখো। তো একটি তোমরা যে বিচার বিভাগের নির্দিষ্ট বেতন, আর ২ নম্বরে তোমরা লিখতে পারো যে বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখা। এবং লোকসভার গঠন কি? আশা করি উত্তরটি খুবই বড় হবে একটু, তোমরা আশা করি পেরেছো। এটা জিরো আর কাকে বলে, এটাও তোমরা পেরেছো আশা করে যায়। তো দেখো আমাদের পরের যে প্রশ্নটি সেটা হচ্ছে জিরো আর কাকে বলে। এটা শুনে নাও, যে একটি বিশেষ সময় যেটা 12টার সময় শুরু হয় এবং যে সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্তর করা হয়। আর ৬ নম্বরের প্রশ্ন, রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে ন্যূনতম বয়স কত হতে হবে? তো ৩০ বছর হতে হবে। পরের প্রশ্ন, গ্রাম সংসদ কি? আশা করি তোমরা এটা পেরেছো। এবং অথবা প্রশ্ন হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরের নাম কি? উত্তর হচ্ছে জেলা পরিষদ। আর 8টা পেরে আশা করা যায়। পৌরসভা যে কোনো দুটি বাধ্যতামূলক কাজ উল্লেখ করো। 9 এর প্রশ্নটা, 20 Years ক্রাইসিস বইটি কে লিখেছে? উত্তর হচ্ছে E.H. কার। পরের প্রশ্ন, ক্ষমতা যে কোনো দুটি উপাদান চিহ্নিত করো। এটা আশা করা তোমরা পেরেছো। আমাদের 10 নম্বরের প্রশ্ন, অনেকটাই বড়, প্রাথমিক প্রকৃতির জাতীয় স্বার্থ কাকে বলে? তো চলো পরের প্রশ্নটা দেখি। সর্বোচ্চ শাসক ও প্রকৃত শাসকের মধ্যে পার্থক্য, এটা একটা বড় অ্যান্সার আছে। আমাদের ১২ নম্বর প্রশ্ন, আমলাতন্ত্রের যে কোনো দুটি কার্যাবলী চিহ্নিত করো। ১৩ প্রশ্নটা, ভারতের সংবিধানে ৩৫৬ ধারায় কি বলা হয়েছে? আচ্ছা, পরের প্রশ্ন ছিল দেখো, ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিযুক্ত করেন? এটা লিখবে রাষ্ট্রপতি। এবং তারপরেরটা বড় প্রশ্ন আছে, এটা একটু ১৫ হচ্ছে দেখো, বন্দি প্রত্যক্ষকরণ কি? পরের প্রশ্ন, ভারতের বিচার ব্যবস্থার যে কোনো একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। এই ছিল তোমাদের প্রশ্ন, দরকারি কোনো। তো ১ নম্বরের প্রশ্ন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংজ্ঞা দাও। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিকাশের ধারা সংক্ষেপ আলোচনা করো। অথবা প্রশ্নটা বিশ্বায়ন কাকে বলে? 20 सने प्रकृति आलोचना करो। 2 নম্বরে প্রশ্ন মার্কসের রাষ্ট্র সম্পর্কিত তত্ত্বটি আলোচনা করো অথবা প্রশ্ন দেখে নাও গান্ধীজি সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত ধারণাটির উপর একটি টিকা লেখো। 3 নম্বর প্রশ্ন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী লেখো। নেক্সট প্রশ্ন ভারতের যে কোনো একটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা করো। 4 নম্বর লোকসভার অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय पार्लामेंटे उभय कक्षर सम्पर्क आलोचना करो। 5 नम्बर प्रश्न भारतेर कोनो राज्येर हाईकोर्टेर गठन और कार्यावली आलोचना करो। और नेक्स्ट भारतेर लोक आदालतेर गठन और कार्यावलीर उपर टीका लेखो।